हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? और एरोप्लेन की विंडोज़ में ऐसे ही होल्स क्यों बने होते हैं? और क्या आपने कभी स्टोन से बना हुआ म्यूजियम देखा है? और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा पार्क कौन सा है? इन सभी फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक का ज़रूर देखना, और लास्ट वाला फैक्ट तो मेरा फेवरेट है, उसे भी ज़रूर देखना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 15, अभी आप इसे देखो, ये साउथ कोरिया में मौजूद एक ऐसा कैफ़े जहाँ अगर आप जाते हो तब आपको ये फील होगा कि आप अलग ही वर्ल्ड में आ गए हो। इसे देखकर ऐसा लगेगा कि आप कार्टून वर्ल्ड में आ गए हो, क्योंकि इसका पूरा थीम और पूरा डिज़ाइन ही कार्टून पर बेस है। और क्या आप यहाँ पर जाना पसंद करोगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 14, क्या आप इजी वे में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो या फिर अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हो, तब आपको डांस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि डांस करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और साथ ही इससे हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। फैक्ट नंबर 13, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग एक दूसरे के लुक्स को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, बट सीपीयू सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है। सीपीयू सेक्सुअल जो कि एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक इंसान जो कि किसी के इंटेलिजेंस को देखकर अट्रैक्ट होता है, ना कि उसके लुक्स को देखकर। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा के एक स्टडी के अनुसार जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उन लोगों में 2 गुना ज़्यादा डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उन लोगों के मुकाबले जो लोग मीट खाते हैं। और साथ ही एक स्टडी में ये देखा गया है कि जो लोग मीट खाते हैं उन लोगों की साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी रहती है। फैक्ट नंबर 11, हॉल ऑफ क्यूरियस स्टोन जो कि जापान में मौजूद एक ऐसा रॉक म्यूजियम है जहाँ पर आपको ह्यूमन फेसेस से बने हुए रॉक्स दिख जाएंगे, और ये कोई मैनमेड नहीं है बल्कि ये नेचुरली ऐसे ही है। अभी आप स्क्रीन पर इन्हें देख सकते हो। फैक्ट नंबर 10, अभी आप अपने स्क्रीन पर इसे देखो, ये कोई फोटोशॉप इमेज नहीं है बल्कि एक रियल स्कल्पचर है जिसे होराइजन कहते हैं, और ये न्यूजीलैंड के गिब्स फार्म लोकेशन पर मौजूद है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टीवी या फिर रिमोट या फिर रेडियो को ऐसे हिट करके चालू किया है? जी हाँ, मोस्टली अभी के टाइम में हम लोग टीवी के रिमोट को ऐसे हिट करके चालू करते हैं, और इस एक्शन को परकेसिव मेंटेनेंस कहा जाता है। जी हाँ, परकेसिव मेंटेनेंस इज द एक्ट ऑफ हिटिंग समथिंग अंटिल इट्स वर्क। फैक्ट नंबर 8, अगर हमारे सर में दर्द हो रहा है या फिर हम सैड फील कर रहे हैं तब इसके लिए हमें एक कंटेनर में पानी लेकर उसमें आइस क्यूब डालकर उसमें अपने हाथ डालकर रखने हैं, और हमारे लाइफ के पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचना है, जिसके कुछ टाइम बाद ही हम रिलैक्स और हैप्पी फील करने लगेंगे और इससे हमारा सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। फैक्ट नंबर 7, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूँ। वुमेंस यानी कि महिलाएं अपने पूरे लाइफ का 1 साल बस ये डिसाइड करने में लगाती है कि उन्हें फंक्शन, इवेंट या फिर पार्टी में क्या पहनना है। फैक्ट नंबर 6, आपने बहुत सी बटरफ्लाइज तो देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी बटरफ्लाई देखी है? तो वेल, ये है ट्रांसलूसेंट बटरफ्लाई जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी बबल ग्लास से बनी है। फैक्ट नंबर 5, मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में कई रेप्टाइल्स के बारे में बताया, अभी आप इसे देखो, ये हाइड्रोसोरस जिसे सेल्फिन ड्रैगन या फिर सेल्फिन लिजार्ड भी कहते हैं, और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, और ये ज़्यादातर फिलीपींस और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर आपने एरोप्लेन में कभी सफ़र किया होगा तब आपने ये नोटिस किया होगा कि एरोप्लेन की विंडोज़ में ऐसे होल्स बने होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एरोप्लेन की विंडोज़ में ऐसे होल्स क्यों होते हैं? तो वेल, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इन्हें ब्लीड होल्स कहा जाता है, और इन्हें एयर प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है ताकि एरोप्लेन के अंदर एयर प्रेशर बढ़ ना सके। फैक्ट नंबर 3, अभी आप इसे देखो, ये बबल रैप, जी हाँ वही जो हम बचपन में ऐसे फोड़ा करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में ऐसा ही सिलिकॉन टॉय बनाया गया है जिसे म्यूगन प्यूची प्यूची कहा जाता है, और ये एक ऐसा टॉय है जिसे हम इन्फानाइट बार फोड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी दुनिया के सबसे छोटे पार्क के बारे में सुना है? तो वेल, मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे छोटा पार्क बस 2 फुट सर्कल का ही है, और वो भी पोलैंड के ओरिगानो में मौजूद है, और इसे मिल एंड स्पार भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 1, मैंने आपको मेरी एक वीडियो में बताया था कि हाइपरसोमनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ कोई व्यक्ति 12 से 15 घंटे ही क्यों ना सोले, लेकिन तब भी वो उठने के बाद थका हुआ ही महसूस करता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हाइपरसोमनिया का मतलब होता है एक्सेसिव स्लीप, लेकिन फैक्ट ये कि आपने हाइपरसोमनिया के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने इडियोपैथिक हाइपरसोमनिया के बारे में सुना है? तो वेल, मैं आपको बता दूं कि इडियोपैथिक हाइपरसोमनिया एक बीमारी नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और इडियोपैथिक हाइपरसोमनिया में लोग भले ही रात में अच्छी नींद क्यों ना लिए हो लेकिन तब भी उन्हें दोपहर में नींद आएगी, और साथ ही इडियोपैथिक हाइपरसोमनिया में लोग 24 घंटे में से 11 घंटे बस सोने में ही बिताते हैं, और साथ ही इडियोपैथिक हाइपरसोमनिया में लोग अलार्म क्लॉक की आवाज़ सुनने के बाद भी नहीं उठ पाते हैं।
अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और साथ ही आप सभी को हैप्पी दिवाली। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।